तीन फ्रेंड मिलकर एक अफवाह फैलाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स तब आती है जब इनकी इस अफवाह की वजह से एक लड़की का मर्डर हो जाता है। अब क्या सच था और क्या झूठ था, ये हमें आगे मूवी में पता चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर एडिक्टिव। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है गॉसिप। मूवी के स्टार्ट होते ही हम कैथी नाम की बंदी को देखते हैं। वो बुक पढ़ रही थी। उसकी बुक में उसके फ्रेंड जिसका नाम था डेरिक, उसने कैथी के लिए कुछ नोट्स रखे थे। उस नोट्स में लिखा था, आज पार्टी है, तुम्हें आना चाहिए, तुम ऑलरेडी लेट हो चुकी हो। कैथी उसकी बात मान लेती है और पार्टी में आ जाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कैथी, डेरिक और ट्रेविस, ये तीनों बेस्ट फ्रेंड हैं। ट्रेविस को यहाँ पर एक लड़की पसंद आती है, लेकिन वो उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था। कैथी उससे कहती है, तुम एक आर्टिस्ट हो, लोगों से अच्छी तरह बात करते हो, उनको अच्छी तरह से ट्रीट करते हो, तुम्हें जाकर उस लड़की से बात करनी चाहिए। ट्रेविस कैथी की बात मानकर उस लड़की को अप्रोच करता है। फिर हम देखते हैं बारटेंडर कहता है, तुम्हारा फ्रेंड बहुत ही अजीब है। डेरिक को ये बात अच्छी नहीं लगती। इसके बाद बारटेंडर के साथ मज़ा लेने के लिए वो डिसाइड करता है। वो कहता है, ट्रेविस एक्चुअल में एक पॉप स्टार का बेटा है, वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है। हमेशा उसके फादर इधर उधर रहा करते थे, तो उसका बचपन हमेशा होटल्स और बार में गया है, जिसकी वजह से ये वियर्ड लगता है। फिर ये बारटेंडर गैस करता है ट्रेविस किसका बेटा हो सकता है। जब ट्रेविस वापस आता है तब वो उन्हें फ्री ड्रिंक्स देता है। कैथी और डेरिक को इस बात पर बहुत मज़ा आ रहा था। इसके बाद बारटेंडर को पता चल जाता है कि ये बात झूठ थी और फिर इन सबको बाहर निकाल दिया जाता है। ये तीनों फ्रेंड्स डेरिक के हाउस में एक साथ ही रहते हैं। ट्रेविस को बुरा फील हो रहा था क्योंकि इस मंथ का रेंट वो नहीं दे पाया था। डेरिक उससे रेंट नहीं मांग रहा था। वो कहता है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, इस वजह से तुम पे मत करना। ये तीनों कॉलेज में जर्नलिज्म पढ़ रहे थे, उनके प्रोफेसर उन्हें पढ़ा रहे थे रूमर्स क्या है और न्यूज़ क्या है, इसके बारे में डिफरेंस क्या होता है। अलग अलग लोगों ने अपने अपने ओपिनियंस दिए, लेकिन डेरिक कहता है ये दोनों सेम चीज़ हैं। बोलने बोलने से बात फैल जाती है और उसी की बाद में न्यूज़ बन जाती है। बाद में ये सारी चीज़ें कुछ भी मैटर नहीं करती। प्रोफेसर को ये बात पसंद नहीं आती। इसके बाद ये तीनों डिस्कस कर रहे थे अपने सेमेस्टर के प्रोजेक्ट में ये तीनों क्या करेंगे। कैथी को एक आइडिया आता है, हमें एक रूमर स्टार्ट करनी चाहिए, देखते हैं ये कितनी दूर तक फैलती है। आज रात भी ये तीनों मिलकर एक पार्टी में जाते हैं। डेरिक कैथी के साथ फ्लर्ट करना चाहता है, लेकिन कैथी उसे थोड़ा सा भी भाव नहीं देती। डेरिक की जिस भी लड़की के साथ रिलेशनशिप हुई उसके बाद उसने उसे छोड़ दिया था। कैथी उन लड़कियों में से एक लड़की नहीं बनना चाहती थी। पार्टी में डेरिक को एक लड़की अप्रोच करती है। डेरिक ने अपने क्लास में जो आंसर दिया था वो उसे बहुत ही अच्छा लगा था। कैथी बाहर फोटोग्राफ्स ले रही थी तभी वहाँ पर एक बहुत ही अमीर लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है। इस लड़की का नाम नाओमी था। अंदर आकर कैथी की फ्रेंड कैथी से कहती है, मैंने सुना है तुम्हारे और प्रोफेसर के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। कैथी कहती है, ये सब बकवास है, तुमने किससे सुना। ये बात नाओमी ने कैथी की फ्रेंड को बताई थी। वो उसे हेट करने लग जाती है। जिस लड़की ने डेरिक को अप्रोच किया था वो उसे किस कर रही थी। अचानक से डेरिक की नज़र नाओमी पर पड़ती है। वो उसे इस तरह से देख रहा था जैसे उसे जानता हो। इसके बाद गपागप करने के लिए डेरिक उस लड़की के साथ एक रूम में चला जाता है। अचानक से उस लड़की की तबीयत खराब होने लगती है। डेरिक उसकी हेल्प करता है। फिर वहाँ पर वो कुछ आवाज़ें सुनता है तो वहाँ पर नाओमी और उसका बॉयफ्रेंड था। नाओमी ड्रंक थी और उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था। वो उसे इसके लिए मना करती है। इनके बीच जो कुछ भी हुआ था ये सारी चीज़ें डेरिक ने देख ली थी। नाओमी के बॉयफ्रेंड के चले जाने के बाद डेरिक उसे बहुत ही गुस्से से देख रहा था। पार्टी के बाद सारे फ्रेंड्स मिलते हैं। तब डेरिक कहता है, हमें नाओमी के बारे में एक रूमर फैलानी चाहिए। वो कहता है, हम लोगों को बताएंगे कि ये दोनों पार्टी में इंटीमेट हुए थे। ट्रेविस बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो गया था। वो उसे उठाकर रूम तक लेकर आते हैं। डेरिक फिर से कैथी के साथ फ्लर्ट करता है। कैथी बोलती है, हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता। डेरिक कहता है, इसकी वजह से हमारे फ्रेंडशिप को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों किस करते हैं। लेकिन इसके बाद कैथी उससे दूर चली जाती है। वो कहती है, मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। अगले दिन डेरिक प्लान करता है कि किस तरह से इस रूमर को फैलाना है। कैथी को ये सब करना गलत लग रहा था, लेकिन वो भी अपना माइंड चेंज कर लेती है। ये अफवाह फैलाना वो लोग स्टार्ट कर देते हैं और स्लोली स्लोली ये फैलने लगती है। फाइनली लोग ये भी कहने लग जाते हैं, नाओमी दो तीन लोगों के साथ उस रूम में थी। इस तरह से ये रूमर बन जाती है और इस बात को लेकर ये तीनों लोग बहुत ही हंसते हैं।
ट्रेविस ने नाओमी के बहुत सारे फोटोग्राफ्स निकाले थे और बॉल पर उसे आर्ट बनाने लग जाता है। डेरेक ये देखकर कहता है, ये बहुत ही अमेजिंग है। इसके बाद ट्रेविस कहता है, मैं इतना अमेजिंग हूँ लेकिन फिर भी अपना रेंट पे नहीं कर पाता। डेरेक कहता है, जो भी अच्छे आर्टिस्ट थे उन सबको लगता था कि मैं अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ, यही तुम्हें यूनिक बनाता है। इसके बाद हम देखते हैं जब नाओमी की फ्रेंड उसके बारे में बात कर रही थी, जिसे वो सुन लेती है और इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है। अगले दिन वो अपने बॉयफ्रेंड को कैफ़े में लेकर आती है और उससे पूछती है उस रात एक्चुअल में हुआ क्या था। उसके बॉयफ्रेंड का नाम बाऊ था। वो कहता है, तुम ड्रंक थी और तुम सो गई, इसके बाद मैं वहाँ से चला गया, यही सच है। नाओमी इस बात को नहीं मानती। फिर बाऊ गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। ये सारी चीज़ें कैथी देख रही थी। ये रूमर और भी ज़्यादा फैल चुकी थी। फिर ये जाकर सारे स्टूडेंट्स की इंटरव्यू लेते हैं। इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे नाओमी अनकॉन्शियस हो गई थी, तभी बाऊ ने उसका फ़ायदा उठाया। इसके बाद हम देखते हैं कैथी थोड़ा डर जाती है और सोचती है, अगर ये सच है तो इसके बहुत ही ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। फिर हम देखते हैं नाओमी और उसके फ्रेंड मिलकर डिस्कस कर रहे थे, क्या ये सच हो सकता है। नाओमी को इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, वो सोई हुई थी। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो शायद उसे पता चल जाता, लेकिन फिर भी वो श्योर नहीं थी। कैथी को टेंशन में देखकर ट्रेविस कहता है, ये सिर्फ एक रूमर है, इससे कुछ भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसे क्या पता था अगले दिन नाओमी डायरेक्ट पुलिस के पास चली जाएगी। वो अपना स्टेटमेंट देती है। फिर डिटेक्टिव कहती है, मुझे अच्छे से सारी डिटेल्स दो। नाओमी 100% श्योर नहीं थी बाऊ ने उसके साथ कुछ किया भी है या नहीं। बाऊ को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है। वो कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया। डिटेक्टिव कहती है, तुम्हारे फ्रेंड्स तुमसे पूछ रहे थे, तब तुमने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। बाऊ ने कहा, वो उनकी इमेजिनेशन थी, जो उन्होंने कहा मैंने उन्हें इमेजिन करने दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया था। इसके बाद हम देखते हैं कैथी को जब ये बात पता चलती है तब वो गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, पुलिस अब इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। वो डेरेक से पूछती है, क्या तुम 100% श्योर हो नाओमी और बाऊ के बीच में कुछ भी हुआ नहीं था। डेरेक कहता है, मैं 80% श्योर हूँ। कैथी समझ गई डेरेक ने उनसे झूठ कहा है। डेरेक कहता है, जो भी हुआ इसमें हम इन्वॉल्व नहीं हैं, पुलिस को जो करना होगा वो कर लेगी। अगले दिन बाऊ नाओमी को सॉरी कहने के लिए आता है। नाओमी की फ्रेंड उसे मिलने नहीं देती, जिसकी वजह से उनके बीच में झगड़ा हो जाता है। नाओमी और बाऊ के सैंपल लेकर उनका टेस्ट भी हुआ था, जिसमें कुछ भी कंक्लूजन नहीं आया था। नाओमी के पेरेंट्स बहुत ही रिच थे, इस वजह से पुलिस के ऊपर भी प्रेशर आ रहा था। पुलिस फिर से जाकर बाऊ को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद हम देखते हैं रात में कैथी नाओमी को मिलने के लिए आती है। कैथी उसे पूछती है, पार्टी में जो भी हुआ था क्या इस बात को लेकर तुम श्योर हो। नाओमी कहती है, तुम इस तरीके से यहाँ पर कैसे आ गईं, तुम तो पहले कभी भी मुझसे बात नहीं करती। कैथी कहती है, तुमने मेरे बारे में एक रूमर फैलाई थी। नाओमी कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं था। दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है। फिर ये बातें करने लग जाते हैं नाओमी किस सिटी से है। जब इसके बारे में कैथी को पता चलता है तब वो कहती है, डेरेक भी वहीं से है। डेरेक का नाम सुनकर नाओमी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। वो कैथी को रूम से बाहर निकाल देती है। इसके बाद कैथी डेरेक को कन्फ्रंट करती है और वो कहती है, तुम और नाओमी एक ही स्कूल में थे और तुम उसे जानते भी नहीं, तुम इस तरह से प्रिटेंड क्यों कर रहे थे। वो कहता है, मैं एक्चुअल में उसे नहीं जानता था। कैथी कहती है, वो तुम्हारा नाम सुनकर डिस्टर्ब हो गई थी, फिर ऐसा क्यों हुआ। डेरेक कहता है, मुझे बहुत सारी लड़कियां लाइक करती थीं, नाओमी ने इस तरह से बिहेव क्यों किया इसके बारे में मुझे नहीं पता। वो कैथी के करीब आ गया और कहता है, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं कहूँगा। ये दोनों फिर से किस करते हैं और इसके बाद ये दोनों गपागप करने लगते हैं। सुबह होने के बाद भी कैथी के माइंड से नाओमी की बात नहीं जा रही थी। वो डायरेक्टली उनकी सिटी में आ गई और वो उनकी स्कूल बुक देखती है, जिससे उसे पता चलता है डेरेक और नाओमी ये दोनों कपल थे। इसके बाद वो जाकर उस स्कूल के प्रिंसिपल से बात करती है, उससे पूछती है क्या डेरेक और नाओमी के बीच में कुछ हुआ था। प्रिंसिपल भी उसे तुरंत स्कूल से बाहर निकाल देता है। ये कैथी के लिए बहुत ही सस्पिशियस था। वहाँ पर एक टीचर थी जो कैथी को कुछ बताना चाहती थी। बाहर आने के बाद कैथी ने उसे इंसिस्ट किया, तब वो उसे बताती है कि रिच लोग उन्हें जो भी लगता है वो कर डालते हैं और बाद में उन्हें कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने नहीं पड़ते। टीचर उसे बता देती है डेरेक ने नाओमी के साथ ज़बरदस्ती की थी। इसके बाद हम देखते हैं डेरेक ने कैथी को झूठ बोला था। इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई और वो उसे कन्फ्रंट करती है।
डेरिक कहता है मैं और नाओमी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक रात हम करीब आ गए और इंटीमेट हो गए। इसके बाद अगली सुबह नाओमी ने सबसे कहा मैंने उसके साथ जबरदस्ती की थी, वो एक छोटी बच्ची की तरह बिहेव कर रही थी। डेरिक कहता है नाओमी ने मेरी पूरी रेपुटेशन खराब कर दी, मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ बात नहीं करते। डेरिक ने नाओमी के खिलाफ जो रूमर फैलाई वो उसके साथ बदला लेने का तरीका था। इसके बाद कैथी ने जाकर डिटेक्टिव को सारी बात बता दी, लेकिन डिटेक्टिव उसकी बात नहीं मानती। डेरिक ने ऑलरेडी डिटेक्टिव को बताया था कैथी और बाऊ के बीच में रिलेशनशिप है, तो इस वजह से डिटेक्टिव उसकी कोई भी बात मानने के लिए रेडी नहीं हो रही थी। इसके बाद कैथी ट्रेविस के पास आ जाती है, वो कहती है हमें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। ट्रेविस कहता है डेरिक हमेशा मुझे हेल्प करता है, मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता। कैथी घर आकर बहुत ही अपसेट थी और वो रो रही थी, फिर डेरिक उसे मना लेता है। उसके बाद हम देखते हैं वो रात में नाओमी से मिलने के लिए जा रहा था, रास्ते में उसे बाऊ मिलता है। ये रूमर फैलाने की वजह से बाऊ उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। ये दोनों आपस में बहुत लड़ते हैं। डेरिक कहता है नाओमी एक पागल लड़की है, उसने जो मेरे साथ किया वो तुम्हारे साथ भी किया। बाऊ उसकी बात नहीं मान रहा था, जिसकी वजह से वो उसे बहुत मारता है। इसके बाद हम देखते हैं डेरिक नाओमी के पास पहुंच जाता है। डेरिक कहता है तुम्हारे एक झूठ ने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, जिसकी वजह से मैंने तुमसे बदला लिया। उस रात तुम्हारे और बाऊ के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था, मुझे पता था अगर मैंने अफवाह फैला दी तो तुम्हारा घटिया दिमाग तुमसे फिर से कहेगा कि बाऊ ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की थी और तुमने वही किया। गुस्सा होने के बाद नाओमी उसे मारने लग जाती है, फिर डेरिक उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है, वो उसे रूम से बाहर निकाल देती है। घर आकर डेरिक कैथी से कहता है मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। नाओमी के साथ फाइट की वजह से डेरिक के फेस पर निशान बन गए थे। ट्रेविस बाहर से आकर कहता है नाओमी की डेथ हो चुकी है। थोड़ी देर में एक डिटेक्टिव वहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंच जाता है। वो डिटेक्टिव कहता है कल रात तुम नाओमी के रूम में गए थे, हमने उसकी बॉडी पर स्ट्रगल के निशान देखे हैं, ये कोई सुसाइड नहीं थी, उसका किसी ने मर्डर किया है। फिर डेरिक के फेस पर निशान के बारे में डिटेक्टिव उससे पूछता है, वो कहता है मेरी बाऊ के साथ फाइट हुई थी जिसकी वजह से ये निशान आए हुए हैं। डिटेक्टिव इसके बाद चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं डेरिक डिस्टर्ब होकर नाओमी के घर पर चला गया। वहाँ पर वो देखता है बहुत सारी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। जब वो घर पर आता है तब कैथी कहती है हमें सच सच बताओ कि उस रात क्या हुआ था। डेरिक कहता है मैंने उसका मर्डर नहीं किया, हमारे बीच में स्ट्रगल हुआ था तो शायद इस वजह से पुलिस को लग सकता है कि मैंने उसका मर्डर किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो ट्रेविस से कहता है तुम पुलिस को बता देना कि उस रात मैं तुम्हारे साथ था। वो नाओमी की फ़ोटो उसे दे देता है और कहता है तुम्हारे रूम में जाकर उसे रख आओ। डेरिक जब अपनी क्लास से वापस आता है तब उसके घर में पुलिस थी। वो कहते हैं तुम्हारे खिलाफ हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं। जो फोटो डेरिक ने ट्रेविस को दी थी वो फोटो ट्रेविस ने फिर से डेरिक के रूम में रख दी थी, क्योंकि वो इसमें शामिल नहीं हो सकता था। डेरिक पुलिस को ट्रेविस का प्रोजेक्ट दिखाता है, वो कहता है यहाँ पर सारी जगह नाओमी की फ़ोटो लगी हुई है, वो उससे ऑब्सेस्ड है और ये सब कुछ उसने ही किया है। पुलिस ऑफिसर कहता है मैं तुम्हारे हेयर्स लेकर जा रहा हूँ और मुझे पता है ये सब तुमने ही किया है, जब डीएनए मैच कर जाएगा तब उसके बाद मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूँगा। ये सब सुनने के बाद डेरिक डर जाता है और रात में वहाँ से भागने लग जाता है। ट्रेविस को पता चल गया था डेरिक ने उसे फ्रेम करने की कोशिश की है, वो एक गन बाय कर लेता है और डेरिक पर लगाता है। वो कहता है तुम इस तरह से नहीं भाग सकते, तुमने जो भी किया इस सब की सज़ा तुम्हें मिलनी चाहिए। कैथी यहाँ पर पहुँच जाती है और उन दोनों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन डेरिक और ट्रेविस में फाइट हो जाती है और एक्सीडेंटली गोली चल जाती है जो कैथी को लग जाती है। ट्रेविस पुलिस को कॉल करता है, डेरिक उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमें पुलिस को क्या बताना चाहिए, हमें एक स्टोरी तैयार करनी चाहिए, हम इस सब से बच सकते हैं, लेकिन ट्रेविस इस बात को नहीं मान रहा था। डेरिक डिस्टर्ब हो गया, वो कहता है मैं मर्डरर नहीं हूँ, मैंने नाओमी के साथ ज़बरदस्ती की थी लेकिन मैंने उसका मर्डर नहीं किया, नाओमी ये डिज़र्व करती है। उसने जब ये बात बोली तब सारे पुलिस वाले वहाँ पर पहुँच गए। ऊपर से फिर नाओमी नीचे आती है, वो अभी भी ज़िंदा थी। डेरिक से सच बुलवाने के लिए सब कुछ उन लोगों ने प्लान किया था। सच में डेरिक ने नाओमी के साथ ज़बरदस्ती की थी और ये सारी बात अब सबको पता चल गई, अब उनके पास प्रूफ भी था। इसके बाद अब डेरिक को जेल हो जाएगी। डेरिक खुद को बचाने के लिए किसी को भी फ्रेम करने के लिए रेडी था, इस बात की सज़ा उसे भुगतनी पड़ी। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।